हे गाइस, वेलकम टू मसाला चाय। आज बनाने सीखेंगे भरलेली शिमला मिर्ची यानी स्टफ्ड कैप्सिकम। महाराष्ट्रियन स्टाइल रेसिपी है ये, जो मेरी सबसे शिमला मिर्च की फेवरेट सब्जी है। आप इसे एक बार बनाइए और आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगी। तो इसको बनाने पहले बनाओ इसकी स्टफिंग। एक ग्राइंडर में धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, करी पत्ता, ज़ीरा, नमक, हल्दी और थोड़ा पानी लो और इन सबको पीस के इसकी एक स्मूथ पेस्ट बनाओ। फिर इस पेस्ट में थोड़ा रोस्टेड पीनट्स, सूखा नारियल और थोड़ा पानी डालकर इसका एक दरदरा सा कोर्स सा पेस्ट बनाओ। ज़्यादा फाइन पेस्ट मत बनाओ, वरना खाने में ये उतना मज़ा नहीं आएगा। अब शिमला मिर्ची को स्टफिंग के लिए रेडी करो। पहले उसके ऊपर से उसका स्टॉक निकालो और उंगलियों की मदद से अंदर से उसके सीड्स निकालो। आप चाहे तो शिमला मिर्ची को आधा करके भी उसकी स्टफिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ शिमला मिर्ची को होल स्टफ किया है। अब बनाई हुई स्टफिंग मिर्ची में अच्छे से भर दो, जितनी हो सके उतनी स्टफिंग भर दो। अगर स्टफिंग बच गई तो उसे साइड में रखो, हम उसको बाद में ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें स्टफ्ड शिमला मिर्ची डाल के उसको अच्छे से सौते करो। बाहर से अच्छा ब्राउन कलर आने तक इसको आराम से पलटते हुए भूनो। ध्यान रखना कि स्टफिंग बाहर ना आ जाए। अब इसको निकाल के साइड में रख। उसी तेल में आप थोड़ी मस्टर्ड सीड्स, करी पत्ता, हींग डाल के इसे 20 सेकेंड के लिए सौते करो। अब उसमें टोमेटो प्यूरी डालो और उसको मीडियम गैस पे अच्छे से भूनो, जब तक साइड से थोड़ा तेल बाहर नहीं आ जाए। अब इसमें बची हुई स्टफिंग डालो और इसको फिर से भूनो, जब तक इसका तेल फिर से बाहर नहीं आ जाता। अब इसमें आधा कप पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करो और फिर ढक्कन लगा के स्लो गैस पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाओ। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालो और 1-2 मिनट के लिए और पकाओ। अब धीरे से इसमें सॉटेड शिमला मिर्ची फिर से डाल दो, ग्रेवी को उनके ऊपर डालो और फिर ढक के इसको 3 से 4 मिनट के लिए स्लो गैस पे पकाओ। शिमला मिर्ची इतने समय में पक जाएगी। ये हो गई महाराष्ट्रियन स्टाइल भरलेली शिमला मिर्ची रेडी यानी स्टफ्ड कैप्सिकम रेडी। बारीक कटा हुआ धनिया डालो और इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ खाओ। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना नेक्स्ट टाइम जब शिमला मिर्ची बनाने का प्लान हो, और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट और लाइक भी कर देना। रेसिपी और टिप्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड टेक केयर।